गृहमंत्री अमित शाह के बारे में आप क्या? मोदी जी एक अच्छे मार्केटर हैं, जैसा एक हम लोग बचपन में कहानी सुनते थे कि साहब अच्छा मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति जो होता है वो गंजे को कंघी बेच देता है। तो मोदी जी ने इस कहावत को चरितार्थ किया है, उन्होंने एक गंजा साथ में रखा है और कंघी अपने हाथ में रखी है, उसके सर पे कंघी फेरते हैं और पूरे भारत को बता देते हैं देखा अमित शाह की कितनी बढ़िया पार्टी पड़ी हुई है। इन दोनों ने हिंदुत्व को लेकर अभी धारा 370 का मैटर हुआ, सब धारा 370 के मैटर में सबसे ज्यादा अगर किसी ने तारीफ की तो हिंदू महासभा ने की। जो मुकदमे न्यायालय के द्वारा होते हैं जैसे राम जन्मभूमि, तो साहब जब न्यायालय के द्वारा हो गया तो इसका क्रेडिट मैं नहीं चाहता कि बीजेपी के पास जाए, क्योंकि बीजेपी का इसमें कोई योगदान नहीं है। मुझे वो दिन याद है, भारत के बच्चे बच्चे को ये दिन याद होगा, जब 1947 से लेकर हिंदू महासभा राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहा था, यही लाल कृष्ण आडवाणी सहित भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रमुख नेताओं ने हमारे नेताओं से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि भाई साहब आप लोग इस तरीके से मुकदमे लड़ते रहेंगे, अगर आप कहें तो इसका हम राजनीतिकरण कर दें और अपनी सरकार बन जाएगी तो राम जन्मभूमि का मुकदमा ठीक ठाक हो जाएगा। और साहब हम लोग साइलेंट हो गए, अपनी छाती में इनको बैठाकर पूरे भारत में रथ यात्रा निकाली और उस रथ यात्रा से इकट्ठा हुए 1400 करोड़ रुपए ये लोग डकार गए, जिसका आज हिसाब नहीं है। तो 1400 करोड़ रुपया ये खा गए। हिंदुत्व के नाम पर जो भी प्रखर नेता आगे आता है, कहने के लिए थोड़ा सा बुरी बात है लेकिन कहना जरूरी है, अशोक सिंघल जी को मैंने पत्र लिखा, हमने कहा 1400 करोड़ रुपया जो राम जन्मभूमि का इकट्ठा हुआ कहां गया? अशोक सिंघल जी से हमारा बड़ा आत्मिक लगाव था, उन्होंने उसका जवाब दिया और मुझे फोन किया कि पांडे साहब मैं अयोध्या जा रहा हूं, आप आ जाओ, आपसे कुछ बात करना है। मैं जब अयोध्या गया तो एक गले में वो पीला टावल रखते थे, उन्होंने जो शिला रखी हुई थी उसकी धूल झाड़नी शुरू कर दी। हमने कहा कि ये क्या कर रहे हो? बोला पांडे जी मेरा अंतिम सपना है कि किसी तरीके से मेरे जिंदा रहते ये मंदिर का निर्माण हो जाए। साहब उन्होंने हमारी उनकी काफी गंभीर चर्चा हुई, उन्होंने कहा पांडे जी अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हमने कहा क्या करोगे आप, लड़ तो सकते नहीं? बोले कि अब मोदी है और लड़ूंगा भी और विरोध भी करूंगा। और साहब अशोक सिंघल जी एक स्वस्थ व्यक्ति जिसके साथ हमने दो दिन बिताया, वो दिल्ली जाता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। प्रवीण भाई तोगड़िया जिसके पास जेट कैटेगरी की सुरक्षा हो, जो पेशाब करने बाथरूम में जाता है तो पहले बाथरूम चेक होता है और वो रोड के किनारे लावारिस पड़ा मिले, उसके सिक्योरिटी का पता नहीं और उसका पता नहीं। कमलेश तिवारी जिसकी सिक्योरिटी के लिए 24 गार्ड नियुक्त थे, हमारे पास उसके पत्र है साहब, और उस आदमी की हत्या हो जाती है और हत्या का कारण सिर्फ ये होता है कि उसकी सुरक्षा में कमी कर दी जाती है। तो बीजेपी के समय में मैंने ये देखा कि जितने हिंदूवादी प्रखर नेता हुए हैं उनकी एक एक करके हत्या कर दी गई। अभी 2 तारीख को हमारे पास लखनऊ से फोन आया, हिंडोला थाना कोई पड़ता है, उन्होंने कहा हिंडोला थाना से बोल रहा हूं पांडे साहब, गृह मंत्रालय से पत्र आया है कि आपकी जान को खतरा है। तो हमने कहा क्या करूं? तो उन्होंने कहा आपको सुरक्षा देना चाहता हूं। हमने कहा दे दो भैया। बोले कहाँ गार्ड भेज दूं, मैंने अपने घर का पता बता दिया। तो साहब उन्होंने कहा कि मैं वहां नहीं दे सकता हूं, मैं लखनऊ में सुरक्षा दूंगा। मैं रहता मध्य प्रदेश में हूं, पूरे भारत को मालूम है, आईबी रिपोर्टिंग साहब हमारी हमारे घर की है और सुरक्षा लेने के लिए मैं जाके थाने में बैठूं कि मैं मर ना जाऊं इसलिए थाने में रहूं। इस तरीके का जो इनका दोहरा चरित्र है वो अब हिंदुत्व के लिए हमें लगा कि एक खतरे के रूप में सामने आ रहा है। उस खतरे से इस देश को बचाने के लिए हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है जिसमें साधु संतों सहित देश के युवाओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है और ये अभियान अब रुकने वाला नहीं है।